सत्य की जीत हुई है। और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला